अब ये तो यार काफ़ी आसान सा सवाल है, फैक्टराइज करना है इसमें सिंपली। इसमें डिवाइड करने के अलावा और कोई चारा नहीं है, मैं एक करके बता देता हूँ तुम्हें, ठीक है कि कैसे करोगे करके। ये x माइनस टू है तो डिवाइड करना है सिंपली, इसमें क्या बताऊँ यार, और एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस फोर है ये, और डिवाइड करता जा एक्स स्क्वायर, फिर ये हो गया एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस ये प्लस, ठीक है ये तो बहुत ही सादा काम है। तो ये और ये गए, अब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर हो गया प्लस सिक्स एक्स माइनस फोर, ये चीज़ आ जाएगी माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स, ठीक है ये प्लस ये माइनस गया थे बस, ये रिमाइंडर थे बस, कितना बचा माइनस चार, ठीक है तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है ये, तो ये चीज़ हो जाएगी तेरे पास, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स ऐसा माइनस चार, ठीक है माइनस चार ये ऐसा हो जाएगा, क्वोशंट आएगा ये, रिमाइंडर आएगा ये, ठीक है रिमाइंडर वाली चीज़ एक बार और चेक कर लेता हूँ, ठीक है सिक्स एक्स माइनस फोर, ठीक है सब कुछ ओके है, इसको भी एक बार और चेक करके देख लेते हैं भाई, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस फोर, ये आ रहा है दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो ये चीज़ कितनी हो रही है एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस फोर, ठीक है इतना ही आ रहा है, ठीक है तो फैक्टराइज मतलब यार ये डिवीजन का सवाल है सादा, इसमें क्वेश्चन और रिमाइंडर बता के छोड़ो और क्या, क्वेश्चन ये हो गया रिमाइंडर ये हो गया, सब में यही वाला काम कर ले बस फटाफट, ठीक है क्या क्वेश्चन बता रिमाइंडर बता छोड़ो उसको बस, ठीक है क्या, ठीक है बस।